रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश लेकर आई हूँ, बड़ी मज़े की बनती है। आप उम्मीद है आपने अपने घर में बनाई होगी। मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उनसे मैं कहूँगी कि वो मेरी वीडियोस पर कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और दुआओं में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़े, और ब्रेड से बनाते हैं। और इसमें जो चीज़ें चाहिए वो मैंने लिया है तकरीबन 2 किलो दूध, 2 लीटर, 2 लीटर मैंने दूध लिया है, वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और एक ब्रेड लूँगी मैं, उसमें से मैं अपने हिसाब से डाल दूँगी ब्रेड स्लाइस देखकर। और इसमें जाएंगी तकरीबन ये 8 खाने के चम्मच चीनी, ये 2 खाने के चम्मच कटे हुए बादाम, और 7-8 ये साबत, इनको 2 पीस में मैंने कर लिया ये मैं गार्निश के लिए। और पिस्ते 1 खाने का चम्मच पिस्ते हैं, ये 2 खाने के चम्मच डेसिकेटेड नारियल, नारियल का बुरादा जिसे कहते हैं, और ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध, मिल्क पाउडर, आप कोई से भी ब्रांड का ले लें। और ये है चांदी के वर्क, इससे हम इनको सजाएंगे। और चलें फिर, और ऑयल हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस को फ्राई करने के लिए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं शाही टुकड़े। दूध मैंने पकने के लिए रख दिया था, मैंने मलाई इसमें मिक्स की है ताकि एक खोए वाला टेक्सचर आए इसमें। इसमें मैंने ये 2 लीटर दूध है, इसको मैं इतना पकाऊंगी कि ये 3/4 रह जाए, यानी कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा इतना रह जाए। इसको हम पका लेंगे। चीनी अभी नहीं डालती मैं, चीनी जब ये जितना मुझे चाहिए उतना पक पक के उतना हो जाएगा, फिर मैं इसमें चीनी, बादाम, पिस्ते थोड़े से दूध में डाल दूंगी, थोड़े से गार्निश के लिए जाकर। अभी मैं इसको पका रही हूँ, ये पकता रहेगा। उधर मैं ब्रेड स्लाइस को फ्राई कर लेती हूँ। ब्रेड स्लाइस फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने रख लिया गरम करने के लिए। अब इसको हम कर लेते हैं फ्राई। ये हो रहे हैं स्लाइस हमारे, टर्न कर लिया था मैंने इनको, खूबसूरत सा गोल्डन कलर करना है, प्यारा सा, ताकि जब हम इन्हें सर्व करें दूध में डालें तो बहुत प्यारा कलर आए। जितने ये कड़क कड़क होंगे उतने ही मज़े के बनते हैं। ऑयल अच्छी तरह से आप इसका निचोड़ें और फैला के रखें ताकि ये क्रिस्पी रहे। बस मैं इन्हें फ्राई करती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी, सारे कर देती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दूध पक रहा है, अब इसमें मैं डाल दूंगी चीनी, चीनी को भी मैं थोड़ा सा पकाऊंगी। एक टेबल स्पून लिए थे मैंने
टेस्ट कर लूँगी मैं, उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि ब्रेड जो है वो मैंने सोई वाली नहीं ली, मीठी नहीं है, मिल्क की ब्रेड नहीं ली मैंने, सादा ब्रेड ली है। जो मिल्क की ब्रेड होती है वो थोड़ा स्वीट होती है। चीनी डाल के, कंडेंस मिल्क भी आप डाल सकते हैं, मैं ये मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा चीनी पक जाए फिर मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी और थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करूँगी। ब्रेड स्लाइस मैंने सारे सेट करके रख दिए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी जब इसको असेंबलिंग करूंगी दूध के साथ। अब ये पकता रहेगा, फिर मैं जब इसमें थोड़ा सा नारियल भी इस स्टेज पे डालूंगी, बादाम भी, पहले मिल्क पाउडर डालूंगी, वो मैं आपको दिखा दूंगी जब डालूंगी। ये तकरीबन पक पक के आधे से थोड़ा सा कम रह गया, एक घंटा हो गया इसे पकते हुए, तकरीबन पूरा एक घंटा। अब इसमें मैं डाल दूँगी एक खाने का चम्मच, दो खाने के चम्मच लिए थे ना डेसिकेटेड नारियल, तो मैं एक खाने का चम्मच अब डाल दूँगी और ये मिल्क पाउडर। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी, मैंने ऐसे डाल दिया लम्स ना बन जाए। तेज़ी से चलाऊंगी चम्मच ताकि लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने। और अब इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी, मैं बादाम डाल दूंगी, पहले इसको मिक्स कर दूं फिर मैं इसमें बादाम डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी बादाम, थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा के बाकी इसमें डाल दूंगी और थोड़े से पिस्ते। बस ये रेडी है, चलिए अब इसकी करते हैं असेंबलिंग। शाही टुकड़ों के लिए ये मैंने देखें एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया, उसमें मैंने ये सेट किए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने ये दूध रेडी किया था, ऐसे कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। थोड़ी देर मैं इनको स्टे दूंगी ताकि ये अच्छे से इनका एब्जॉर्ब कर लें दूध को, फिर मैं दूसरी लेयर लगा दूंगी। फिर सेकंड लेयर भी मैंने लगा दी, वो सारी जो नीचे एब्जॉर्ब हो गया, अब इसको मैंने सेकंड लेयर भी लगा दी। इसका तरीका यही है, बस मैं इसको थोड़ी देर और स्टे देके इसको गार्निश कर दूंगी। चांदी का वर्क लगा दिया मैंने इस पर, असल तो अब मिलते नहीं है चांदी के वर्क, नकली लग रहा है मुझे तो ये। इसको सिला दिया मैंने चांदी के वर्क से और डेसिकेटेड नारियल, खूबसूरत लगता है बहुत, इसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। बादाम,
पिस्ते। ये जो मैंने हाफ हाफ काटे थे बहुत खूबसूरत लगते हैं, इनको मैं सजा रही हूँ। गार्निश आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको सजाते जाएं। बस ये शाही टुकड़े रेडी हैं, अब इन्हें मैं ठंडा करके सर्व करूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये शाही टुकड़े रेडी हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके मुझे मेरी वीडियोस पर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।